नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका learnready.com के 3ds Max ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि हमने रोटेट कमांड का यूज़ कैसे करते हैं 3ds Max के अंदर। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हाउ टू यूज़ रोटेट इन 3ds Max। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ, मान लीजिए मैं एक बॉक्स को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और क्रिएट करने के बाद अब हम इस पे कमांड का यूज़ करेंगे जो कि है हमारी रोटेट कमांड। तो रोटेट कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप यहाँ से रोटेट कमांड को ले सकते हैं। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपकी जो रोटेट कमांड है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो जैसे कि रोटेट कमांड आप देख सकते हो, ये भी आपका सेंटर ऑफ द बेस जो होता है हमारा, वहीं पर अप्लाई होता है। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सब चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। तो आप जैसे भी इसको वर्क करना चाहते हो, जैसे कि हम ऑटोकैड 3D में यूज़ करते थे, गिज़्मो का यूज़ करते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी मूव गिज़्मो की तरह ही यहाँ पे आपको आइकन शो किया गया है, उसी के अलोंग आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। जैसे कि आप एक्स एक्सिस के अलोंग वर्क करना चाहते हो, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे इसको रोटेट कर सकते हो। उसी तरह से आप यहाँ से जेड एक्सिस के अलोंग भी इसको रोटेट कर सकते हो। देन अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करना चाहते हो, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी एंगल में इसको रोटेट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे इसको रोटेट करने के बाद आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो रही है, और अगर आप चाहते हो कि ये जो पोजीशन है इसकी ओरिजिनल पोजीशन में ये वापस आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पे जो हमारे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अगर इसको ज़ीरो कर देता हूँ, और यहाँ पे वाई को भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ, और जेड को भी राइट क्लिक करके एरोस के ऊपर क्लिक करके ज़ीरो कर देता हूँ, तो ये अपनी प्रॉपर जो पुरानी पोजीशन थी, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, उस पर ये वापस आ चुका है। उसी तरह से ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि अगर हमने मूव कमांड का यूज़ किया था, तो मूव कमांड में क्या हुआ था कि उसने जो कोऑर्डिनेट्स लिए थे वो यहाँ पे आके उसने सेंटर ऑफ द ओरिजिन ले लिए थे, लेकिन मूव कमांड के जो ओरिजिन होते हैं और इसके ओरिजिन जो होंगे वो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखोगे, अगर मैं मूव कमांड लेता हूँ तो इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसी तरह से रोटेट के भी यहाँ पे अलग से जो हैं वो अलग से कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के ऊपर वर्क करता है। आप इनके थ्रू भी यहाँ से इसकी रोटेशन कर सकते हो। जैसे कि मैं एक्स एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो आप जितना भी इसको बढ़ाएंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ से मूव करना चाहते हो, तो वाई एक्सिस के अलोंग भी यहाँ से रोटेट कर सकते हो आप। उसी तरह से जेड एक्सिस के अलोंग करना चाहते हो, तो जेड एक्सिस के अलोंग भी आप इजीली यहां से कर सकते हो। और उसी तरह से अगर आप सेंटर ऑफ द पॉइंट इसको करोगे, तो आप किसी भी एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं होती कि आपने सिर्फ एक्स के अलोंग करना है या वाई के या जेड के, आप किसी भी अलोंग आप इसको रोटेट कर सकते हो। अगर आपने सिंगल सिंगल लेना है, तो उस लाइन को आपने सेलेक्ट करना, तो और उसी एक्सिस के अलोंग आप रोटेट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली सेंटर ऑफ द पॉइंट इसके सेलेक्ट कीजिए और आप कहीं पे भी इसको रोटेट कर सकते हो। उसी तरह से अगर मैं एक और यहाँ पे सिलेंडर क्रिएट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका ये सिलेंडर क्रिएट हो चुका है। तो इसको भी मैं अगर रोटेट कमांड के साथ यूज़ करता हूँ, तो आप इसे भी सेम प्रोसीजर के साथ जैसे भी रोटेट करना चाहते हैं वैसे रोटेट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, टेढ़ा करने के बाद अगर आप चाहते हो कि इसकी जो पोजीशन है वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो यहाँ से इसको राइट क्लिक दबा दीजिए, और यहाँ पे इसे राइट क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे इसे भी राइट क्लिक कर दीजिए। देन वैसे ही इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी राइट क्लिक दबाता हूँ, यहाँ पे इसे भी राइट क्लिक दबाते हैं, और यहाँ पे इसे भी राइट क्लिक कर देते हैं। तो करने के बाद ये सभी अपनी अपनी जो है ओरिजिनल पोजीशन में आ चुके हैं। तो इस तरह से हम रोटेट कमांड का यूज़ करते हैं 3ds Max के अंदर। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा कि हम रोटेट कमांड का यूज़ कैसे करते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि इसके जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो मूव कमांड के अलग होते हैं, स्केल के अलग होंगे, और रोटेट के भी अलग कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होंगे। तो आपने अलग अलग तरीके के साथ ही इनको रोटेट करना है। अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में ही आपको जिस जिस कमांड को आप लोगे, उसके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आपको नीचे शो हो जाएंगे, तो आप उसके थ्रू भी यहाँ पे वर्क कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने रोटेट कमांड का यूज़ करते हैं 3ds Max के अंदर। तो थैंक यू दोस्तों आपका हमारी ये वीडियो देखने के लिए, एंड हैव ए नाइस डे।